बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पोटैटो रोल। ब्रेड पोटैटो रोल बनाने के लिए ब्रेड हमने ले ली है, 6 अदद स्लाइस लिए हैं। इसमें मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ किया है, इसमें वाइट ब्रेड का ही यूज़ होता है, ब्राउन ब्रेड का इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे तो वो टूट जाने का ख़तरा है रोल हमारे। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया है। मटर ले लिए हैं, इनको भी हल्का सा बॉईल कर लिया है। और काजू हैं, 6-7 अदद आप ले लें। और ये सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ है। 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने ली है और बारीक चॉप कर ली है। ये अदरक और लहसुन, ये आप अगर टीस्पून के हिसाब से करें तो ये 1/2 टीस्पून होगा, वरना तो 3 से 4 जो वे हैं हमारे पास लहसुन के, और अदरक का बहुत छोटा टुकड़ा है, 1/2 इंच का होगा, तो उसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने लिया है ये नमक है, आप हसबे ज़रूरत नमक लें, मैंने 1 टीस्पून से हल्का सा कम रखा है। और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, इसको पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट आप कर लें, उसके बाद इसको पाउडर बना लें। तो मैंने ये बहुत सारा ज़ीरा लेके काफ़ी पैकेट पूरा उसको ड्राई रोस्ट करके, तो उसका पेस्ट बना के पाउडर सॉरी बना के रखा हुआ है। तो ये हमने लिया है मिक्स गरम मसाला पाउडर, ये 1/2 टीस्पून है, हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए भी। और थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें भी डालना है जब हम पोटैटो की फिलिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। ये हमने आलू मैश कर लिया है पूरा, 2 टेबलस्पून के जितना हम ऑयल डालेंगे। गरम हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन, अदरक, हल्का सा इनको लहसुन और अदरक को हल्का सा सौते करेंगे। हमारा लहसुन अदरक सौते हो चुका, और हम इसमें डाल देंगे सब्ज मिर्च, थोड़ा सा आधे मिनट तक हम इसको करेंगे कुक। आग हमने मीडियम कर दी है और ये हमने आधे मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, थोड़ा सा हमने मटर को कर लिया है। और अब हमने काजू क्रश करके डाल दिए, थोड़ा सा इसको करेंगे कुक। और साथ में हम डाल देंगे अपने आलू, आलू मैश किए हुए हमने डाल देने हैं, आलू हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बस मिक्स करेंगे दरमियानी आग पे। हमने ये हमारा 1 मिनट हमने इसको पकाया, अब हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम स्लाइस को कट कर लेंगे, और स्लाइस को हम सिर्फ इसके जो ब्राउन पोर्शन है वही हम उतारेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उतारेंगे। स्लाइस की साइडें काट ली हैं, हमारा मटेरियल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें शामिल कर लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्स हो चुका है धनिया और पुदीना, हमने पानी लिया है, पानी आप गहरी किसी प्लेट में लें ताकि उसमें डिप करने में आसानी हो। इसके अंदर हम ब्रेड को इस तरह करके डिप कर लेंगे और हम इसको हाथ से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रेड हमारी टूटने नहीं पाए। ये देखें, अब हम मटेरियल लेंगे जितना आपने रखना हो उतना, और हम इसको थोड़ा सा यूं करके, तो आप इसको गोल लंबे या जिस भी शक्ल के आप बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। ये हमने इस तरह बना के तो इसको शेप दे देनी है,
इस तरह आप चाहें तो गोल या जिस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमने अपने पूरे रोल तैयार करके रख लिए हैं, पोटैटो ब्रेड रोल। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका है, हम थोड़ा सा पीस डाल के देखते हैं और जैसे ही डालें तो फौरी थोड़ी देर के बाद ऊपर उठाएं, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल मीडियम गर्म है। तो हमें मीडियम गर्म ही ऑयल चाहिए था। ऑयल हमारा हो चुका, अब हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे और मीडियम आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाए। इसी तरह हम सारे डाल देंगे। हमने सारे इसमें अपने रोल डाल दिए हैं। ब्रेड रोल हमारे एक तरफ से तैयार हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। इसी तरह हम सारे रोल की साइड चेंज कर लेंगे। सारे रोल की साइड चेंज कर ली है। पोटैटो ब्रेड रोल हमारे तैयार हो चुके हैं, दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। पहले हम इसको छलनी के ऊपर इस तरह निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे। ये इस तरह हमारे मज़ेदार पोटैटो ब्रेड रोल तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत तैयार हैं हमारे मज़ेदार पोटैटो ब्रेड रोल। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखने में देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खूबसूरत, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके कैसे बने और आपको रेसिपी कैसी लगी। तो रमज़ान शरीफ में दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा और अफ्तारी के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े के हैं। अल्लाह हाफिज़।